हेलो दोस्तों, एक बार फिर ताजो को मैं अपने एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गई और आज मैं लेके आया हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिकॉर्न कलेक्शन की वीडियो गई। आज मेरे पास कुछ है ज्योमेट्री बॉक्स यूनिकॉर्न की, कुछ है गाइस हमारे पास पेंसिल केस गाइस, और एक है गाइस मेरे पास यूनिकॉर्न का ये सेट गाइस, और इस सेट का करेंगे हम गिव अवे। और गिव अवे कैसे होगा दोस्तों इस सेट का, तो जो बताएगा इस सेट के अंदर क्या निकला है गाइस इसे ओपन करने से पहले उसी एक लकी विनर को मिलेगा ये सेट गाइस। तो ये आपको बताना है कमेंट में, और इसे ओपन करूंगा जब उस टाइम से पहले जो भी बताएगा इसके अंदर क्या है उसी एक लकी विनर को मिलेगा ये सेट गाइस यूनिकॉर्न का गाइस। तो बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, और फिर मुझे कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वीक फैमिली की तरफ से। तो इसे ओपन करने से पहले आपको कमेंट करना है कि इस बॉक्स में क्या है, जब ही जीत पाओगे ये बॉक्स गाइस यूनिकॉर्न का गाइस। तो चलो फटाफट मैं दिखाता हूं ये सारी चीजें वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये मैजिकल यूनिकॉर्न सेट गाइस, और ये काफी अमेजिंग और काफी प्यारा सेट है गाइस। तो निकालता हूं बॉक्स से और दिखाता हूं ये सेट कैसा है दोस्तों। चलो बॉक्स से निकाल लेता हूं, और ये सेट काफी अमेजिंग और काफी डिफरेंट टाइप का सेट है गाइस। और इसमें गाइस हमें मिलती है 1 2 3 4 पेंसिल मिल जाती है गाइस। इसके प्राइस की बात करें तो इसे मैंने परचेज किया ऑफलाइन मार्केट से, यानी मेरे इधर एक शॉप है उस शॉप से मैंने इसे परचेज किया केवल 200 रुपीज का। और इसके अंदर गाइस हमें मिलता है काफी प्यारा और काफी सुंदर सा एक शार्पनर। ये देखो दोस्तों कितना गजब और कितना प्यारा शार्पनर मिल जाता है दोस्तों, एक बिल्कुल डब्बी की तरह। और गाइस हमें मिलते हैं इसके अंदर चार पेंसिल, और चार पेंसिल के साथ गाइस हमें मिलते यूनिकॉर्न के घोड़े, और ये घोड़े नहीं है दोस्तों ये है इरेजर। ये देखो दोस्तों कितने अच्छी क्वालिटी के इरेजर है, और कितने कलर के इरेजर मिल जाते हैं गाइस हमें। चारों पेंसिल में अलग अलग कलर के इरेजर मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है गाइस इस पेंसिल का डिजाइन देखो दोस्तों कितना खूबसूरत और कितना अमेजिंग है। और गाइस इस पेंसिल सेट में गाइस हमें मिल जाता है एक स्टैंड गाइस, ये देखो पेंसिल स्टैंड, ये देखो इस तरह से रख देंगे हमारी पेंसिल खड़ी हो जाएगी दोस्तों। और चारों पेंसिल में गाइस स्टैंड मिल जाते हैं, और चारों पेंसिल में गाइस हमें यूनिकॉर्न घोड़े की इरेजर मिल जाते हैं दोस्तों। देख सकते हो कितने गजब और कितने प्यारे क्वालिटी का ये सेट है। तो ये सेट आपको कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट चीज दिखा, तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स। और ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स ना आपने कभी भी नहीं देखी होगी, वो क्यों। चलो पहले बॉक्स से निकालता हूं, पन्नी से निकालता हूं और दिखाता हूं। और सबसे पहले मैं इसका प्राइस बता दूं, तो इसे केवल मैंने परचेज किया 100 रुपीज में, और 100 रुपीज की ज्योमेट्री बॉक्स देखो कितनी गजब है। पहले ये लुक देख लो कितनी जबरदस्त कितनी अमेजिंग लुक है गाइस इस पेंसिल सेट की। और इसका प्राइस देखो 179 लिखा है, बट इसे मैंने ऑफलाइन परचेज किया तो 100 रुपीज की मिल गई गाइस। और सबसे अच्छी बात क्या है गाइस, यहाँ पे हमें एक बटन मिलता है, और इस बटन से गाइस हमें ये देखो दोस्तों टॉर्च मिल जाता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, देखो ये देखो टॉर्च काफी अमेजिंग काफी सुंदर लाइट वाला टॉर्च मिल जाता है दोस्तों। जब हमारी लाइट चली जाएगी तो ये ज्योमेट्री बॉक्स हमारा टॉर्च का भी काम करेगी दोस्तों। ये देखो है ना कितना गजब और कितनी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। अब चलो इसे बंद करते हैं लाइट को, और अंदर दिखाता हूं कितना स्पेस है और कितना हमारे स्टडी मटेरियल आ जाएगा इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। ऊपर देखो डिजाइन कितना खूबसूरत बना है। इसे लॉक ओपन करते हैं, लॉक ओपन करते ही दोस्तों यहाँ देखो एक कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, जिसमें हम पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं दोस्तों। और ये देखो दोस्तों इस कंपार्टमेंट को उठा लेंगे तो यहाँ देखो दोस्तों हमें एक और चीज मिली है, एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिला है जिसके अंदर गाइस हमें मिली है एक इरेजर। ये देखो दोस्तों एक व्हाइट कलर की इरेजर मिली है। और सबसे अच्छी बात है गाइस यहाँ देखो हमें एक होल मिला है, इसके अंदर गाइस हमें शार्पनर मिलता है। ये देखो शार्पनर, ये बिल्कुल सेट है शार्पनर, शार्पनर निकलेगा भी नहीं जल्दी, इतना सेट है गाइस इसके अंदर शार्पनर। आप देख सकते हो काफी अमेजिंग, इसके अंदर इरेजर भी फ्री में मिल गई और शार्पनर भी फ्री में मिल गया गाइस। और एक कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है गाइस। ये देखो काफी खूबसूरत काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो इसे साइड रखते हैं, अब ओपन करते हैं गाइस ये यूनिकॉर्न सेट गाइस। और इसे ओपन करने से पहले आपको कमेंट करना है जब ही जीत पाओगे ये सेट। और ये सेट देख लो दोस्तों कितना अमेजिंग और कितना प्यारा है। ये देखो चारों तरफ से दिखा दूं मैं आपको, तो देखो कितना खूबसूरत सेट है। इसमें एक हैंडल मिलता है जिससे इस बॉक्स को कैरी करने में हमें ज्यादा दिक्कत ना हो, तो बहुत ही इजीली से कैरी भी कर सकते हैं दोस्तों इस सेट को। चलो ओपन करते हैं, यहाँ में एक लॉक मिलता है, और खूबसूरत देखो कितना कलरफुल बॉक्स है गाइस, काफी अमेजिंग है। और ये बॉक्स आपका हो सकता है दोस्तों। और चलो ओपन करते हैं, लॉक देखो इस तरह का लॉक है, इसे ओपन किया और इसके अंदर देखो दोस्तों हमें क्या मिलता है। ये देखो OMG, ये देखो दोस्तों ये है बर्तन सेट गाइस। देखो कितना अमेजिंग और कितना प्यारा, और इसके अंदर गाइस हमें तरह तरह के बर्तन मिल जाते हैं। और गाइस सबसे अच्छी बात है गाइस इसकी जो भी क्वालिटी है ना बर्तन की वो काफी
काफी अमेजिंग, काफी प्यारी है। चलो बॉक्स से निकालता हूँ और सारी बर्तन दिखाता हूँ। तो इसमें टोटल हमें कितने बर्तन मिल जाते हैं दोस्तों, देखो इसके अंदर ये देखो कितना खूबसूरत बर्तन है ये। और इस बर्तन को क्या बोलते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। काफी गजब, काफी सुंदर सा ये सेट है। और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर एक कढ़ाई मिल जाती है दोस्तों, देखो कितनी जबरदस्त सी कढ़ाई, काफी अमेजिंग सी। और दोस्तों इसके अंदर हमें मिल जाता है एक फ्राई पैन, ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग, काफी सुंदर सा फ्राई पैन मिल जाता है। और गाइस हमें इसके अंदर मिल जाता है रोटी रखने वाला एक बॉक्स, गाइस ये देखो रोटी रखने वाला बॉक्स, और इसे क्या बोलते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और एक और सेट मिल जाता है रोटी रखने वाला, ये देखो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। और गाइस हमें इसके अंदर मिल जाते हैं दो स्पून, ये देखो दोस्तों स्पून मिल जाते हैं, एक स्पून है, एक गोल वाली स्पून है, एक गाइस हमारे खाना बनाने वाली स्पून है, और एक पूड़ी छानने वाली स्पून है गाइस, और एक है गाइस दाल पीने वाली स्पून गाइस, ये देखो चार स्पून मिल जाती है। और गाइस इसके अंदर हमें मिलते हैं कुछ स्टिकर्स, ये देखो दोस्तों कुछ स्टिकर हैं, इन स्टिकर को हम कहीं कहीं अच्छी अच्छी जगह चिपका सकते हैं, काफी डिजाइनिंग और काफी स्टाइलिश हमें स्टिकर मिल जाती है सेट के अंदर। और जब इस बर्तन का यूज खत्म हो जाएगा, हमारे बर्तन खराब हो जाएंगे, तो ये बॉक्स काम आया गाइस हमारे मेकअप और स्टडी मटेरियल रखने के काम। ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग बॉक्स है गाइस, आप देख लो बैक साइड से भी दिखा दूंगा, ये देखो बॉक्स ये, और ये बॉक्स एक लकी विनर जीत सकता है दोस्त। इसके प्राइस की बात करें तो इसे मैंने परचेज किया है 1200 रुपए का, यानी 1200 रुपीज का ये बॉक्स परचेज किया है गाइस, और जीत सकते हो आप। तो चलो इसे साइड रखते हैं, अब दिखाता हूँ नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये यूनिकॉर्न की डायरी गाइस, ये देखो दोस्तों ये डायरी। और दोस्तों ये सेट आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और देखो दोस्तों ये डायरी भी काफी अमेजिंग, काफी प्यारी है, और ये है पासवर्ड वाली डायरी। तो चलो दिखाता हूँ, और ये डायरी भी है प्लस ये एक पर्स भी है गाइस, तो आपको दिखाता हूँ, निकालता हूँ पन्नी से और दिखाता हूँ ये डायरी। तो सबसे अच्छी बात है इसमें एक हैंडल मिल जाता है, मोतियों की माला की हैंडल है गाइस। इसके अंदर डिजाइन देख सकते हो दोस्तों कितना खूबसूरत और कितना अमेजिंग है देखो। और गाइस इसमें पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ लिखा हुआ है, पासवर्ड क्या है 145, तो 1 को हम ऊपर कर देंगे और 4 को भी ऊपर कर देंगे, 5 को भी ऊपर कर देंगे, 2 और 3 को नीचे कर देंगे। यहाँ एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाएंगे तो लॉक ओपन हो जाएगा गाइस। अरे भाई लॉक ओपन हो जाए क्या बात है, तो गाइस हमें शायद नीचे करने पड़ेंगे, बाकी सारी चीजें ऊपर करनी पड़ेगी। तो लॉक ओपन हो गया, ये देखो लॉक ओपन हो गया, काफी अमेजिंग, और लॉक अलग भी हो गया। और इस लॉक को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, लाइक अपने बैग के चैन में गाइस, या हम अपने पर्स के चैन में भी इस लॉक को यूज कर सकते हैं, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग। अब ओपन करते हैं, ओपन करते हैं, ये देखो दोस्तों इसमें एक पेज मिलते हैं यूनिकॉर्न के पेजेस, काफी अमेजिंग, काफी प्यारी डिजाइन है पेजेस की, कलरफुल पेज मिल जाते हैं गाइस, पिंक कलर के भी, ब्लू कलर के भी, और भी कलर के हमें पेजेस मिल जाते हैं, देखो पिंक कलर के, और ये देखो बीच बीच में हमें यूनिकॉर्न की फोटो देखने को मिल जाती है दोस्तों, ये देखो कितने जबरदस्त, कितने अमेजिंग। तो ये डायरी आपको कैसी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इसे परचेस किया है केवल मैंने 100 रुपीज का ऑफलाइन मार्केट से। चलो इसे साइड रखते हैं, अब मैं दिखाता हूँ ये यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच गाइस, ये भी काफी अमेजिंग और काफी प्यारा पाउच है गाइस। इसे निकालता हूँ बॉक्स, और इसके प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों इस पाउच को मैंने परचेस किया केवल 150 रुपीज की। निकालता हूँ बॉक्स से और ये पाउच दिखाता हूँ, निकाल लेते हैं बॉक्स से, और ये पाउच देखो कितना खूबसूरत, कितना अमेजिंग है गाइस। और इसका चाबी का छल्ला देखो गाइस कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है यार, कितने डिजाइनदार यूनिकॉर्न का ये छल्ला। और इसे ओपन करते हैं, तो फर्स्ट चैन को ओपन कर रहा है, तो इसके अंदर गाइस हमें फॉर्म मिल जाती है, इस फॉर्म को फेंक देंगे, और इसमें हमें एक नेट वाला पॉकेट मिल जाता है जिसके अंदर हम कुछ भी अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों। देखो कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग। अब सेकंड चैन को ओपन करते हैं, सेकंड चैन को भी ओपन करने से देखो दोस्तों इसमें हमें फॉर्म मिल जाती है, और इसके अंदर गाइस काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और इसके अंदर हम सारा स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। जैसे हमें हमारे पास है ये पेंसिल, तो इस पेंसिल को हम इस तरह से अंदर रख लेंगे और पूरी पेंसिल आ भी जाएगी, हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी देखो। और हम और भी चम्मच चम्मच से भर देते हैं, देखो इतना बड़ा पॉकेट आना गाइस कि सब कुछ आ गया और पता भी नहीं चल रहा। इसके अंदर चम्मच भी है, पेंसिल भी है, इरेजर भी है, कितना खूबसूरत और कितना अमेजिंग कपड़े वाला ये पाउच है, काफी जबरदस्त। और मैंने इसका प्राइस भी बता दिया, बस इसके अंदर जो सिंपल थी ना वो इसके जिप है गाइस, ये जिप काफी सिंपल थी गाइस, इतनी सिंपल नहीं होनी चाहिए थी, और थोड़ी स्टाइलिश जिप होनी चाहिए थी। चलो इसी साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ गाइस आपको ये पोपिट वाला पर्स गाइस, देखो यूनिकॉर्न का ये पोपिट वाला पर्स है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है गाइस, हम बोर हो रहे हैं तो अपना टाइम पास कर सकते हैं इस पोपिट के साथ। देखो दोस्तों काफी अच्छे पोपिट मिल जाते हैं गाइस, काफी अच्छी क्वालिटी का पर्स है। फ्रंट में आप देख सकते हैं यूनिकॉर्न सो रहा है, और यूनिकॉर्न का एक सिंग होता है आप देख सकते हैं, और इसमें एक जिप मिल जाती है, और जिप को ओपन करते ही दोस्तों ये देखो दोस्तों हमें एक मिल जाता है इसके अंदर काफी अमेजिंग सा एक की चैन, ये देखो
एक काफी अच्छा सा चाबी का छल्ला मिल जाता है, क्वालिटी देख सकते हो जबरदस्त है। और इस छल्ले को निकाल के कहीं और भी लगा सकते हैं, लाइक हमारे बैग में या हमारे किसी पर्स में। और इसके अंदर की स्पेस की बात करें तो अंदर भी काफी अच्छा स्पेस है, और बैक साइड में भी गाइस हमें काफी सारे पॉपिट मिल जाते हैं। गाइस देख सकते हो कितने जबरदस्त पॉपिट मिल जाते हैं, कलरफुल ये पॉपिट पर्स। और इसका प्राइस है 150 रुपीज का, ऑफलाइन परचेज किया है दोस्तों। चलो इसे साइड रखता हूं, अब दिखाता हूं ये यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच गाइस। और ये पेंसिल पाउच काफी अमेजिंग, काफी प्यारा है गाइस। और सबसे अच्छी बात है इसकी जिप, ये देखो जिप कितनी मोटी मोटी जिप है, ये देखो दोस्तों कितनी मोटी जिप है। और इसे जब ओपन करवाना तो पहले इसकी कीचेन देखो कितनी जबरदस्त है, और इसे ओपन करवाना देखो कितनी स्मूथली ओपन हो रही है। ये देखो ये पॉकेट काफी जबरदस्त ओपन हो रही है, पेंसिल पाउच इसे ओपन कर लिया। दूसरे चैन को भी देखो कितनी स्मूथली मैं खोल और बंद कर सकता हूँ। अब इसे ओपन अंदर दिखाता हूँ कितना स्पेस है, कितना स्टडी मटेरियल आ जाएगा। तो इसे ओपन करते तो ओपन करते ये देखो दोस्तों अंदर से कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। बैक साइड से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, बैक साइड में भी ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल लाइन लिखी है, जो काफी खूबसूरत और काफी स्टाइलिश है ये पेंसिल पाउच। और अंदर की स्पेस की बात करें तो अंदर गाइस हमें दो पॉकेट मिल जाती है, एक छोटा पॉकेट है नेट वाला, एक बड़ा पॉकेट है नेट वाला। और इनके अंदर हम कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं लंबा कर 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 गाइस। और गाइस सेकंड कंपार्टमेंट में गाइस हमें मिल जाते हैं ये देखो दोस्तों, ये क्या है गाइस, ये देख सकते हो दोस्तों हमें पॉकेट मिल जाते हैं। और कितने पॉकेट है, 1 2 3 4 5 6 पॉकेट मिलते हैं। और इसके अंदर गाइस हम कुछ भी अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं, देखो काफी अच्छा स्पेस है, यहाँ तक रूलर भी हम रख सकते हैं, रूलर हमारे चौड़े चौड़े होते हैं तो इसमें रूलर भी आ जाएंगे इस पॉकेट के अंदर दोस्तों। चलिए हटाते हैं और नीचे देखते हैं दोस्तों, नीचे भी काफी अच्छा स्पेस मिलता है और इसके अंदर भी काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। चलो आपको एक चीज रख के दिखाता हूँ, ये कढ़ाई है, ये फ्राई पैन है, ये फ्राई पैन रख के दिखाता हूँ, देखो फ्राई पैन भी रख दूंगा पता भी नहीं चलेगा। देखो फ्राई पैन बहुत इजी से आ गया, आप समझ सकते हो कितना अच्छा स्पेस है। चलो आपको कुछ और चीज रख के, ये देखो ये है आटा रखने वाली रोटी, ये देखो ये भी रख दूंगा पता भी नहीं चलेगा, देखो कितने इजीली बंद हो गया पता भी नहीं चल रहा दोस्तों। इसके अंदर हमने कुछ सामान भी रखा है, ये देखो कितना अच्छा स्पेस है, इसे निकाल देते हैं दोस्तों, देख सकते हो काफी जबरदस्त। और इसे परचेज किया मैंने 350 रुपीज का ऑफलाइन मार्केट से। चलो तो साइड रखते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको ये देखो एक यूनिकॉर्न का ये 5-in-1 पैन है गाइस, यानी 5 रिफिल्स है गाइस इसके अंदर। और बॉक्स से निकालता हूँ, इसका प्राइस भी गाइस मैं आपको बता दूँ तो 40 रुपीज का परचेज किया मैंने। और इस ये यूनिकॉर्न का पैन है और चलता भी काफी जबरदस्त है, ये देखो। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, इसमें ना फर है, इस पेन में हमें फर है, जब भी हम पेन से लिखेंगे ना तो हमारी उंगलियों में दर्द भी नहीं होगा। और गाइस इसमें कितनी रिफिल मिल जाती है हमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 रिफिल मिल जाती है, सारे अलग अलग कलर के रिफिल मिल जाती है। चलो ऑरेंज चला के देखते हैं ये कैसा चलता है, ऑरेंज कलर देखो कितना जबरदस्त चल रहा है और लिखने में काफी मजा आ रहा है, काफी स्टाइलिश है, काफी कलरफुल ये पेन है। चलो इसे साइड रखते हैं, अब मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट हमारे पास गाइस ये डायरी गाइस, ये है यूनिकॉर्न की डायरी, निकालता हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है गाइस, इस डायरी के साथ हमें मिलता है ये बिल्कुल छोटा सा पेन, ये देखो कितना छोटा पेन है, मेरी एक छोटी उंगली के बराबर ये पेन, आप देख सकते हो कितना जबरदस्त कितना अमेजिंग। इसे ओपन करते हैं और ये देखो दोस्तों यहाँ एक बटन है, इस डायरी को ओपन कर लेंगे दोस्तों, आगे पीछे यूनिकॉर्न की फोटो छपी है ये देखो, और डायरी के पेजेस देखो दोस्तों कितने अमेजिंग कितने सुंदर है, ये देखो कितने अमेजिंग और कितने सारे पेजेस मिल जाते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है जब ये डायरी भर जाएगी ना तो हम इसके बैक साइड यानी इस वाले हम कवर को चेंज, इस कवर से निकाल के डायरी को चेंज भी कर सकते हैं, देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग डायरी है। तो ये डायरी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अब दिखाता हूँ लास्ट है ज्योमेट्री बॉक्स हमारे पास, काफी प्यारी काफी सुंदर सी गाइस यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स, ये मेरे को मेरी सबसे फेवरेट ज्योमेट्री बॉक्स है, इसका कलर भी काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है जो इसका शार्पनर है ना, मेरे को सबसे अच्छा इसका शार्पनर लगता है दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार लेके आता हूँ इस शार्पनर को और आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर दोस्तों हमें दो शार्पनर मिलता है और इसके अंदर कोई भी होल नहीं है, तो हम पेंसिल को शार्प कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाएंगे और ये देखो रोटेट हो जाता है हमारी ये शार्पनर, और इसमें छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर मिलता है। छोटा शार्पनर होता है वो हमारे कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए होता है, बड़ा शार्पनर होता है वो हमारी मोटी पेंसिल को शार्प करने के लिए होता है। चलो अब ढक्कन ओपन करते हैं दोस्तों, ढक्कन ओपन करते गाइस इस तरह का इंटरफेस दिखता है। और इसमें गाइस हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, इसमें पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। और एक छोटा कमांड मिलता है जिसके अंदर कुछ भी इरेजर और शार्पनर रख सकते हैं दोस्तों। और बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, बैक साइड को ढक्कन ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने परचेज किया केवल 100 रुपीज का गाइस ऑफलाइन मार्केट से। गाइस ऑफलाइन मार्केट आप पूछते हो क्या है क्या है, तो बता दूं ऑफलाइन मार्केट ये है कि गाइस मेरे यहाँ एक मार्केट है और मेरे यहाँ एक शॉप है, वहां पर ये सारी अलग अलग तरह की चीजें मिल जाती है। तो
मैं ऑफलाइन ही खरीदता हूँ, ऑनलाइन नहीं खरीदता। ऑनलाइन हो गया गाइस हमारे जो ऑनलाइन हम खरीदते हैं, जैसे कुछ भी परचेज करते हैं, कोई अदर साइट्स होती हैं, कई सारी साइट्स है उससे हम परचेज करते हैं मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, तो उसे ऑनलाइन बोलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखा दूँ, चलो ये बॉक्स है, ये बॉक्स हो गया खाली और इसमें देखो क्या कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। चलो ये देखो, ये भी पाउच रख दिया मैंने, ये ज्योमेट्री बॉक्स रख दी, ये डायरी रख दी, ये पेन रख दिया दोस्तों, ये भी पेन रख दिया मैंने, और ये पाउच रख दिया दोस्तों, ये डायरी रख दी दोस्तों, और दिखाता हूँ। और चलो ये पाउच भी रख देता हूँ दोस्तों, ये देखो ये पाउच रख, ये पाउच थोड़ा बड़ा हो गया, और भी सारी चीज़ें रख देते हैं। चलो कुछ बर्तन रख देते हैं दोस्तों इसके अंदर, देखो इसके अंदर बर्तन रख देते हैं, तो ये देखो ये बर्तन भी आ गया, देखो अच्छे से, और ये देखो कितना, अरे ये बर्तन ज़्यादा बड़े हो गए, तो ये देखो ये देखो ये बॉक्स हो गया बिल्कुल पैक, और इसे लगा देंगे लॉक, और ये देखो कैरी करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं इस बॉक्स को। तो ये यूनिकॉर्न का बॉक्स कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा वीडियो के साथ आपको किसी भी कलेक्शन की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उस कलेक्शन की जरूर वीडियो लेके आऊंगा। बाकी ज्यादा वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।